कैसा लग रहा है आप लोगों को खत्म होने के बाद खाने के बाद मैकडोनल्ड में? क्या आप लोग कहाँ है? आ जाओ तुम लोग पीछे पीछे बेटा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पासा की चैनल। तो देखिए ये भी आपको हेलो बोल रहे हैं, तो आप लाइक तो और शेयर करना तो बनता है गाइस। तो प्लीज़ इसे बड़ा सा लाइक कर, सब्सक्राइब कर, शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ। तो चलिए हम घूमने चलते हैं घाट पे, NIT घाट पटना में। तो आपको भी ले चलते हैं, अगर आप नहीं घूमे तो आप भी आइए हमारे साथ और इन्जॉय करते रहिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना, यानी NIT पटना। तो पता है ये कॉलेज जो है ये नदी के किनारे बसा हुआ है और मतलब बहुत सारे घाटों को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं और अभी देखिए, चलिए अब इनके मुंह से भी सुन लेते हैं कि कहाँ है घूमने और कहाँ जा रहे हैं। अब इनसे भी सुन ही लीजिए कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको घाट की तरफ। और आपको ये देखिएगा इधर दिखाएंगे, ये सब कुछ मंदिर सा बना रखा है, पेंटिंग बना रखा है छोटा सा, और आगे आपको मंदिर भी ले चलेंगे। तो ये देखिए हम लोग कॉलेज के बीच में रास्ता है, तो इसलिए थोड़ा जाम लग जाता है कि कंजस्टेड है। और यहाँ पर गाड़ी रखने का जगह बनाया गया है गाइस, यहाँ पर आप गाड़ी रख सकते हैं। फिर उसके बाद हम घाट के अंदर चलेंगे, अभी बाहर हैं। तो ये जा रही है बोतल लाने, जिसमें गंगा जल भर के ले चलेंगी घर के लिए घर। तो ये दुकानदार से ख़रीद रही हैं, तो फिर उसके बाद चलिए मिलते हैं। फिर अभी इन्होंने बोतल ले कर अब हम घाट के अंदर चलिए इंटर करते हैं और आपको उससे पहले चल तरफ नज़ारा दिखाते हैं। ये घाट का नज़ारा गाइस, इस जग आपको यहाँ सब चारों तरफ नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ तो जहाँ इंटर किए उससे चारों तरफ आपको दिखाया ही, तो सागे चलते हैं। यहाँ पे एक कैंटीन है गाइस जो आज बंद है, संडे है। तो चलिए आपको आगे चलते हैं और बहुत सारा ये नज़ारा, बहुत सारा घाट को जो रखा है तो देखिए इधर से भी दिखा देते हैं आपको। और उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ ठेले लगा रखे, कहीं आइसक्रीम तो झालमुड़ी बहुत सारे, और हरियाली भी बना रखा है गाइस। और चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको घाट का नज़ारा दिखाते हैं कि किधर किधर से घाट है, नदी है, और इस साइड हरियाला बना रखा है, कैंटीन बना रखा। देखिए गाइस इधर हम आपको घाट दिखा रहे हैं, इधर हम पुल पे ब्रिज पे खड़े हैं, किनारे इस साइड नदी है, किनारा है, और इस साइड पेड़ पौधे लगा रखा गया है गाइस। और देखिए चलो से इतना सारा मतलब चिड़िया निकलने लगी थी, बर्ड्स निकलने लगे थे कि बहुत अच्छा नज़ारा आ रहा था। और ये नेचुरल सा लुक देख के आपको भी बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, क्योंकि पता नहीं कहाँ से उस पुल पे, उस ब्रिज पे बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहे थे अचानक से, तो मैंने सोचा रिकॉर्डिंग करते हैं। और ये भी बताते हैं कि ये जो बैकग्राउंड में गाना सॉन्ग बज रहे थे कहाँ से बज रहे थे, तो ये गाइस कि यहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा रखा था जिस पर स्क्रीन दिखाया जाता था और सॉन्ग भी बजाया जाता था। यहाँ से देखिए माइक से बहुत सारी जगह माइक कनेक्टेड थे। तो चलिए आपको दिखाते हैं और आपको नीचे भी ले चलते हैं गाइस। और ये देखिए पुल बनाया था जहाँ से सीप पर चढ़ के हम लोग पूरा नदी का भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ से आपको कुछ नज़ारा दिखा देते हैं, नीचे चलते हैं। अब नीचे चलते हैं गाइस, उसके बाद हम भी आते हैं और थोड़ा सा नदी का पानी का भी ये दिखाते हैं आपको। चलिए अब मैं भी आ रही हूँ। और पता है इस नदी के किनारे ही छठ पूजा भी होती है, तो
तो चलिए थोड़ा सा मैं भी गंगा जी का थोड़ा सा पानी अपने फूल ले लेती हूँ और थोड़ा सा इंजॉय करते हैं गाइस। तो चलिए यहाँ पे पानी भर के आगे जो आगे वो दिखाई थी पुतली थी, तो अंदर से ये जो नाव वाले हैं वो अंदर से जाके थोड़ा सा बीच से पानी लेके आए। तो हम लोग चलिए पानी लेके अब थोड़ा चलेंगे ऊपर और फिर आपको आगे कितना ज़्यादा दिखाएंगे कि किधर छठ मतलब छठ का जो बिहार में आपको बताएं कि बिहार में छठ कितना इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। तो इधर छठ भी होता है तो उधर भी ले चलेंगे। तब तक हम लोग चलते चलते जा रहे हैं, तो सोचा कुछ फ़ोटो लेते हैं। इन लोगों को देख ही रहे हैं गाइस कि ये फोटो लेने में कितना बिजी है, तो सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्डिंग करके आप लोग को भी दिखा देते हैं और ये थी फ़ोटो खिंचवाने में। तो चलिए हम लोग भी फ़ोटो लेते हैं और आगे चलते हैं। जो सीढ़ी बना रखा है गाइस इस साइड में छठ होता है, छठ में पूरा जाम लगता है गाइस। तो पटना का जो भी छठ है इसी नदी के किनारे होता है, इधर ही होता है गंगा जी के किनारे। तो चलिए गाइस एक बार फिर से आपको इधर का नज़ारा पूरा दिखाते हैं और फिर चलते हैं आगे, उसके बाद एक मंदिर में भी आपको ले चलेंगे। गाइस हम लोग को मस्ती तो देख लेंगे, तो चलिए अब इधर का नज़ारा जहाँ बोला था मैंने कि छठ का नज़ारा भी दिखाऊंगी। तो इधर भी देखिए तो छोटा छोटा मंदिर टाइप से बना रखा है बैठने के लिए भी, तो नीचे घाट सीढ़ी पे बना रखा है तो उधर छठ होता है। और चलते हैं, तो ये जो ब्रिज है इस ब्रिज से बहुत सारे घाट को कनेक्ट कर दिया गया है, गांधी घाट से कृष्णा घाट को कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए उधर भी चलते हैं और फिर काली घाट भी चलते हैं, तो वहाँ मंदिर का भी दर्शन आपको कराएंगे गाइस। और देखिए शाम का टाइम था, आरती भी होने वाला था, इसलिए भीड़ बढ़ते जा रही थी, देख सकते हैं गाइस अभी। और इस साइड पेंटिंग में बना रखा गया था, बच्चे का स्किट तो देख ही रहे होंगे इस पुल पे। और इसके साथ पता है एक चीज़ और दिखाऊंगी कि इस नदी को मतलब इतनी पवित्र नदी को कैसे गंदा किया जा रहा है। आवाज़ सुनकर तो आपको पता चल ही गया कि कितने फोर्सफुली जो पानी मतलब तो गंदगी होता है, बहुत सारे शहरों का गंदगी को इसी नदी में मिलाया जा रहा था, जो इस पवित्र नदी को भी गंदा किया जा रहा है गाइस। तो आप लोग प्लीज़ इससे ध्यान दें कि ऐसा ना करें, और इसको सफाई के द्वारा जो होता है बहुत सारा अभियान आता है, बहुत सारे मेथड आता है, तो इसको प्योर करके प्योरीफाई करके इसमें ऐड करें। और इस प्लीज़ इस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस नदी को साफ़ सुथरा बनाए रखें। और देखिए इस उधर किनारे पे भी बहुत सारे गंदगी जमा कर रखा गया है, तो प्लीज़ इसे साफ़ सुथरा रखें, देख सकते हैं गाइस। तो चलिए चलते चलते थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, उसके बाद आपको भी ले चलते हैं। जाते जाते सोचा था थोड़ा सा यहाँ पर इंजॉय करते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो गाइस यहाँ पे इतने खुले वातावरण में सोचा कि हम भी थोड़े खुले में मज़े करते हैं, तो मज़े करते करते गाइस चलते हैं अब आपसे और फिर एक मंदिर में आपको ले चलते हैं, जहाँ काली घाट बहुत पुराना मंदिर और बहुत फेमस मंदिर है। तो चलिए आपको यहाँ पर ले चलते हैं। अगर आप इस मतलब यहाँ पर नहीं घूमें तो गाइस आप यहाँ आके भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, बहुत ही अच्छा जगह है, यहाँ पे फॉरेनर भी आते हैं विजिट करने। तो हम लोग मंदिर आ चुके हैं गाइस, अब हम लोग इंजॉय करने के बाद मंदिर से आने के बाद हम लोग जाते हैं कुछ खाने गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं मैकडोनल्ड जो गांधी मैदान में है, तो चलिए आप भी हमारे साथ और इंजॉय कीजिए और फिर वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो देखिए हम लोग मैकडोनल्ड पहुँच चुके हैं और बैठे बैठे तो सही इंजॉय करते हैं, फ़ोटो लेते हैं और चारों तरफ नज़ारा दिखाते हैं। ये कितना भीड़ है सोचिए गाइस, यहाँ पर कितने सारे लोग आते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ इंजॉय करने मस्ती करने। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ भीड़ का नज़ारा और आप ही इंजॉय कीजिए गाइस। हम लोग भी तो आए हैं अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करने, तो आप बाहर का भी नज़ारा देख सकते हैं गाइस और लाइटिंग व्यवस्था देख सकते हैं कितना अच्छे से अरेंज किया गया है। और यहाँ पे सेल्फी सर्विस है गाइस, का लाइटिंग यहाँ पर इतना खूबसूरत सा अरेंज कर रखा था गाइस, तो अच्छा लग रहा था, मतलब फोटो लेने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो वहीं सब का रिकॉर्डिंग करके दिखा रहे गाइस आपको। और यहाँ मिल रही होता बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए बहुत ही
अच्छा पार्टी। हम लोग भी बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए ही यहाँ पर आए थे, मतलब हुआ था कि दी का बर्थडे था तो बाद में हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए हम लोग वेट करते करते हम लोग का मील आ भी चुका है, तो हम लोग देखिए क्या क्या मंगाए। बर्गर और उसके साथ कोल्ड ड्रिंक मंगाए हैं और उसके साथ हम लोग मंगाए फ्रेंच फ्राइज। तो चलिए हम लोग खाते हैं और थोड़ा सा पिक लेकर आपको दिखाते हैं कि कैसे हम लोग खा रहे, कितने एक्साइटेड खाने के लिए। तो इसके साथ हम लोग देखिए बर्गर का स्माइल के साथ, तो प्लीज़ ऐसे ही आप ही मुस्कुराते रहिए गाइस। ये बनाने के लिए स्माइल नहीं है, ये अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल ऐसे ही बनाते रहे और एंजॉय करते रहे गाइस, और दोस्तों के साथ ऐसे ही पार्टी मस्ती सब करते रहे। उसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। देखिए ये दी हमें आइसक्रीम, देखिए जो बहुत ही यम्मी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो चलिए दिखाते हैं कि हम कैसे खा रहे हैं इस स्वीट्स डिश को। तो उन लोग हम लोग को देने के बाद उन लोग गए खुद के लिए लाने आइसक्रीम, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा था गाइस। आपको दिखाएं तो देखिए ये दी हमको आइसक्रीम देखिए, तो उसका पिक भी आपको शेयर करते हैं कौन सा आइसक्रीम था। तो चलिए हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, इन्जॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं गाइस खाने के बाद। और ये आप देखना चाहेंगे कि मैं कैसे आइसक्रीम खा रही हूँ, तो चलिए देख कैसे वो भी दिखा देते हैं आपको। कैसा लग रहा है आप लोगों को खत्म होने के बाद, खाने के बाद मैकडोनल्ड में? बोलिए आप बोलिए। ग्रेट, ऑसम। और आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ एंजॉय करने में। और आपको? सुपर सिंडर। एवरीथिंग इज ऑसम। आपको भी बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। कितने सालों के बाद हम मिले चलिए गाइस, यहीं पे हम आपसे लेते हैं इजाज़त और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर प्लीज़ आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे बड़ा सा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, मस्ती करें, एंजॉय करें। और आप भी हमारी तरफ बहुत सारे मतलब एंजॉय करें, मस्ती करें। अगर आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ नदी को गंदा ना करें और साफ़ सुथरा बनाए रखें और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ सबसे प्यार करें और मस्ती करें गाइस।